और इकोलॉजिकल चेंजेस आए। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के बहुत सारे प्लांट्स इस पीरियड में एक्सटिंक्ट होते गए, लेकिन उन पौधों में एक लोटस प्लांट नीलम्बस न्यूसिफेरा हजारों सालों से लगभग 1.8 मिलियन ईयर्स यानी आइस एज से लेके ग्रीन हाउस पीरियड तक एशिया कॉन्टिनेंट में सर्वाइव करता रहा। इस वजह से इसे हम लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। ये हार्डी प्लांट रशिया से लेके ऑस्ट्रेलिया, चाइना टू ईरान हर जगह खिलते हैं। हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म में ये शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। इट रिप्रेजेंट्स द ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर इविल। लोटस कीचड़ में पैदा होता है, जड़ें मजबूती से जमाता है, पानी में ही इसकी ग्रोथ होती है और पानी के ऊपर आकर इसकी पत्तियां और फूल खिलते हैं। शाम ढलते ही इसके फूल पानी के अंदर चले जाते हैं, अगली सुबह पहले से ज़्यादा निखार लेके बाहरी दुनिया में आ जाते हैं। इस तरह यह एक्वेटिक प्लांट लाइफ, डेथ एंड रिबर्थ को रिप्रेजेंट करता है। मायूस डिप्रेस्ड लोगों के लिए लोटस फ्लावर ऑफ लाइफ जैसा फ्रेज इस्तेमाल होता है। लोटस प्लांट्स के सभी पार्ट्स एडिबल होते हैं, जड़, तना, पत्ते, फूल, फल और बीज। इन सब के न्यूट्रिशियस एंड मेडिसिनल वैल्यूज भी बहुत सारे हैं। अपने स्मार्ट डिजाइनिंग वाले पत्तों जिसपे माइक्रोपोर्स वैक्सी नॉन पोलर कोचिंग होती है की वजह से कीचड़ भरे पानी में रहने के बावजूद गंदगी से पूरी तरह साफ सुथरी, धूल और पॉल्यूशन से बेदाग पत्तियां और फूल खिलते हैं। इसके इस क्वालिटी को लोटस इफेक्ट भी कहते हैं। कीचड़ और गंदगी से भरे परिवेश में पाए जाने के बावजूद कमल बेदाग होता है, इसलिए भारतीय संस्कृति में इसे पवित्रता, मर्यादा, निर्मलता और अच्छाई से जोड़ा जाता रहा है। नीलम्बस न्यूसिफेरा लोटस डिविनिटी, फर्टिलिटी, वेल्थ, नॉलेज एंड एनलाइटमेंट के साथ साथ एंशिएंट इंडिया के आर्ट और माइथोलॉजी में विशेष स्थान रखता है और एंशिएंट टाइम से इंडियन कल्चर का ऑस्पिशियस रिजेम्बलेंस रहा है। 26 जनवरी 1950 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसे नेशनल फ्लावर घोषित किया गया।